अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दुल्हन तैयार हुई कि नहीं? बारात आने का समय हो गया है। भैया, भैया हमको ये शादी नहीं करनी है। भैया तू बंद कर, जा यहाँ से। तुझे पता है शादी जिंदगी की नई शुरुआत है। नहीं भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। अकेले कैसे आ गया और बारात कहाँ है दूल्हे की? जमाई बाबू, आप इस हालत में? अरे कोई रोको उसे, मेरी दुल्हन ले गया। जमाई बाबू, आप यहाँ है तो हमारी बहन को कौन ले गया? वो ले गया। बस। अरे घोड़ा है क्या, अंदर कैसे चला है? छोड़ो, बस। हट दुल्हन चोर, तू हमको मंडप से क्या उठा के लाए रे? अभी तुमको बताते हैं। तुम्हारी तो चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्ची है तू। जैसे महके कोई रंग पूरा भी सुर्ख है तू। अनमोल तुम? हाँ हम। अमू, तुम घोड़े पर क्या कर रही थी? तुम हमको मंडप से काहे भगाई? बताएंगे, पहले तुम हमें बताओ कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से क्यों? अरे किससे? लो आगे दूल्हे राजा। तो देवी जी, जिस नौजवान को आप इस वक्त देख रही हैं, उनका नाम है उदय प्रताप। रखते हैं खुद को फिट, अरे तभी तो पूरे गांव में है ये हिट। चल क्या रहा यहाँ? और अमू, तूने दूल्हे के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये कौन है? भैया, इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। और आपको पता है, हमने ना सब सेट कर दिया है, जिसके लिए आप हमें धन्यवाद भी कहेंगे। अच्छा। हाँ तो हम रिश्ते की डोर जोड़ेंगे तो हमें तो धन्यवाद मिलेगा ना। और हम सब जानते हैं प्यार का इजहार इशारों से ही होता है ना। आप इन्हें देख रहे थे और ये आपको। अनमोल, वो देख गोलियां चलाने वाला उदय आज इसको लड़ा रहा है। मैंने कहा था ना तुझे कि उनके भी मन में शादी के लिए लड्डू फूटते हैं। जरा ध्यान से देख, दो प्यार करने वाले एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। अनमोल, तुमको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। हम इनको नहीं देख रहे थे, हमारा दुपट्टा साइकिल में फंस गया था, हम तो वही निकाल रहे थे। देखो हमारी होने वाली भाभी, डरो नहीं, क्योंकि जो डर गया समझो खर गया। अम्मू, सच कह रही है ये, हम खुद इसे नहीं जानते। भैया गजब की बहन मिली है हमें। भाई को घोड़ी पर चढ़ाने के लिए
तो खुद घोड़ी पे चढ़ गई। अज्जू भैया, आप दोनों के लिए तो मैं शेर पर भी चढ़ सकती हूँ। सुनो अम्मू, हमें इस लड़की में कोई रुचि नहीं है और ना ही शादी में। हम उस दिन सिर्फ इसकी मदद कर रहे थे, सिर्फ मदद। समझ आया? हाय, लगता है इस पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो गया हमसे। भूमिया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे जिंदगी का सबसे खास दिन खराब कर दिया, लेकिन हमारा इरादा नेक था, सच्ची। कोई बात नहीं अनमोल, हमें पता है तुम दिल की अच्छी हो। अजय, ड्राइवर से कहो इसे घर छोड़ दे। जी भाई। रुको, चलो 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 भाई, चलो चलो। बड़े चौधरी, पूरे गांव के सामने गर्दन झुकाई आपकी बहन ने हमारी। इसका हिसाब आपको करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको हिसाब करना होगा। हाँ हाँ, आपको हिसाब करना होगा। मालकिन, बाहर बवाल हो गया। आप लोग सब शांत हो जाइए। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाएं? आपकी बहन हमारी बहन को शादी के मंडप से उठा के लाई है और आप बोल रहे हैं कि शांत हो जाएं? देखो, जो हुआ उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। आप सबसे माफी मांगते हैं? ना बड़े चौधरी, ना। गलती आपकी बहन ने की है तो माफी भी इसी को मांगनी पड़ेगी। कहिए इससे माफी मांगने को। अजय, लेकिन गोकुल भैया, हमने तो माफी मांग ली है। देखिए भैया, बात बहुत आगे बढ़ गई है, चलिए चलते हैं यहाँ से। अब छोड़ मेरा, ये अच्छा है। बेइज्जती पूरे गांव के सामने और माफी अकेले में मांग लो, ये सब नहीं चलेगा। आप इसे सुधारोगे या हम सुधारें? एक कदम और आगे बढ़ाए ना तो दिल और दिमाग अभी के अभी खोल कर रख देंगे हम। हमारी बहन हमारा गुरूर है, हमारा मान है, सम्मान है, और सम्मान कभी झुकता नहीं है। और जब बात हमारी बहन पे आती है ना, तो हम जान देने से पीछे नहीं हटते। ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। अभी हवा में धुआं उड़ाए हैं, कहो तो सबको धुएं में उड़ा दें। तुम लोगन का हिम्मत कैसे हुआ चौधरी के हाथे में घुसने का?
हमारे एहसान भूल गए हो, हम कहाँ आंख दिखाते हो? ये भोलेनाथ आज बचा लेना, मम्मू आज तो तेरी खैर नहीं, आज तो जोर की पड़ने वाली है बेटा। कोनो गाड़ी घोड़ा देखे के लिए गई थी, जो मन भाया उका उठाई ली, मंडप से धुलेन उठाई हो, इका मतलब जानत हो? अम्मा हम तो अच्छा ही करने गए थे, गोकुल भैया भूमि की शादी एक बूढ़े आदमी से कराने जा रहे थे। देख रही है चौधरी जी अपनी बेटी को कितनी जवान चला रही है, पहले तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप इसे नहीं समझाएंगी ना तो मैं इसे समझा दूंगा। कान खोलकर सुन लो गांव वालों, जो हमारे गुरूर को झुकने को कहेगा उसका यही हाल ही हाल होगा। बेचारे गोकुल भैया, अब तो हमारी बारी है, अब मनी छोड़ेगी हमें। कभी नहीं करेंगे, अम्मा हमें माफ कर दो ना, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, अम्मा हमें माफ कर दो। आज अगर हम तुम्हें छोड़ दिए ना तो ऐसन गलती आगे 100 बार होगी। नहीं नहीं अम्मा, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। अम्मा ये चिमटा बहुत गर्म है, हम जल जाएंगे, हो सकता है झुलस भी जाए। 3 दिन पहले ही तो चिमटा लगाया था ना, आज कुछ और मार लो। वो अम्मा ये लो और इससे ना हमारा सर फोड़ दो, आपका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हमारा भी। देखा हो ये ज्यादा फुदको मत, हम सजा बढ़ा देंगे। नहीं 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 अम्मा, अम्मा तरबूज की कसम हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। अम्मा अम्मा माफ कर दो ना। तुम कुछ करो ना करो, शादी जल्दी से कर लो, तुम्हारे चक्कर में हमारे दोनों बेटों का शादी का उम्र निकला जा रहा है। कभी कभी तो हमको लगता है तुम हमारे बेटों के लिए श्राप हो। श्राप नहीं अम्मा, श्राप नहीं है, हम सुना नहीं आपने, हम सम्मान है अपने दोनों भाइयों का और हम अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ऐ कहाँ जाओगी अम्मा? ये सही है, खुद तो तुम हमारे भाइयों की लड़की देखती नहीं हो और फिर जब हम देखते हैं तो हमारी कुटाई करती हो। देखा था ना बाहर, तुम्हारी वजह से सारा गांव हमारे बेटों के पीछे पड़ा था। अम्मा क्या तुम हमारे बेटा करती रहती हो, हम भी तो तुम्हारी बेटी है ना। अच्छा तो बहुत प्यार करो तो ना अपने भाइयों से, तो फिर लो सजा। लो अम्मा दे दो हमें सजा।
अनमोल समझ, जब तेरी शादी होगी तभी तो मेरे नए कपड़े आएंगे। अरे काका आप, नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है बेटी, आप तो? अच्छा अनमोल, सच में ना, देख काजू, पूरी दुनिया में इतना खास कोई बना ही नहीं है जिसके लिए हम अपने भाइयों को छोड़कर चले जाएं, समझा तू? दीवू, तुम यहाँ कैसे आई? डिक्की में बैठ के आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, तो मैं खुद ही आ गई। अब हम दोनों साथ में घूमेंगे। बेटा, अगर तुम्हें चोट-वोट लग जाती तो? I know पापा, सॉरी, मुझे आपके साथ रहना था पर। अच्छा ठीक है, तुम बस यहाँ बैठो, मैं अभी। दो मिनट बेटा, है ना, तुम यहीं बैठो, मैं भी आया। तब तक मैं अपनी बॉल से खेल लेती हूँ। अच्छा वैसे अनमोल, तुझे गन्ना बहुत पसंद है ना? बहुत। क्या हुआ काजू, हमारा बैग कहाँ है? तेरी, वो तो मैं स्कूल में ही भूल गया। लो काजू, लोग अपना होमवर्क भूलते, हम तो पूरा बैग ही भूल कर आ गए। किसी ने हमारे नंबर देख लेना तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम इधर रुको, मैं बैग लेकर आता हूँ। काजू जल्दी आना, ठीक है? अच्छा तुम मूम हो क्या, जो पिघल जाओगी? हो तो तुम पिद्दी सी बच्ची, पर रुआब तो देखो। कोई रुबाब? ये भगवान, देखो नचड़े लोगों से ना हम बात करते ना उन्हें हम देखते हैं, और हो तुम पिद्दी सी बच्ची, और हमें लगता है कि तुम्हें तुम्हारी बॉल बहुत पसंद है, इसलिए हम तुम्हारा बॉल ला देते। मेरी बॉल लेके आ जाओ ना। हाँ अभी लाते हैं, थोड़ा और आगे जाओ ना। हाँ जा रहे हैं। जल्दी जाओ ना आगे, मेरी बॉल दूर चली जाएगी। हमें तैरना नहीं आता, कोई बचाओ, बचाओ। I'll call you back. Dibu! Papa!
जलूं बिन बोले सुनून की बतियां, खो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। यस प्रिंसेस मी। ये क्या चाचू के बिना आइसक्रीम? ये लो। नो बच्चा, आप खाओ, इसके बाद ये भी खाना होगा। टेन टेन। थैंक यू चाचू। यू आर मोस्ट वेलकम प्रिंसेस। भाई ये लो आइसक्रीम खाओ और दिमाग को ठंडा रखा करो। पापा का फोन था ना? आई नो, पापा की बातों से थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है। मुझे लगता है हमें पापा को इसरो भेज देना चाहिए। मतलब पापा वहां जाके आपको कॉल करेंगे और उनकी हीटेड एनर्जी क्रिएट होगी, और क्या पता वो एनर्जी इसरो के काम आ जाए और पापा की बातों से इसरो वाले एक दो मिसाइल लॉन्च कर दे। कुछ पीना रमन? भाई ऐसी ऐसा करो, बहुत अच्छे लगते हो। और ना पापा का टेंशन मत लिया करो। आई नो पापा को आपका टैलेंट नहीं दिखता है, लेकिन हम सब जानते हैं आप अपने काम में कितने माहिर हैं। और देखना, जिस दिन पापा को आपका टैलेंट दिखेगा हम यहीं आके पार्टी करेंगे। चीयर्स। है ना प्रिंसेस? हाँ। लेकिन चॉकलेट पार्टी बिल्कुल नहीं होगी। आज तुम दोनों ने मिलकर मेरा बड़ा फायदा उठाया। अच्छा एक बात बताओ रमन, तुम यहाँ किसी काम से आए हो? भैया मम्मी ने एक लड़की पसंद की है, उसी को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ इस गांव में? हाँ यही गांव में। यार रमन मैं जितना तुम्हें जानता हूँ इस गांव की लड़की तुम्हें पसंद नहीं आएगी। भाई देखते, और वैसे भी बिना देखे बिना मिले किसी लड़की को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। काका क्या आपने कोई सफेद गाड़ी जाते हुए देखी? हाँ उस तरफ गई है। धन्यवाद काका। रमन तुम दीवू को गाड़ी में बैठाओ। क्या हुआ साहब, माने नहीं बोलो? भाई कोई तो रास्ता होगा इस डील को क्रैक करने का। इस डील को क्रैक करने का बस एक ही रास्ता है, उंगली को टेढ़ी कीजिए। देखिए रजत साहब, गांव के चौधरी हैं वो, जिनके इशारों पर सारे काम हो जाते हैं। अब वो किसी और की बात माने या तो मुमकिन नहीं, इसलिए हमें भी अपनी उंगली टेढ़ी कर अपना रास्ता बनाना होगा। तो रास्ता बनाओ ना। आप समझिए बस आपका काम हो गया। चलते हैं, नमस्ते। चलो भाई डील डन, अब आपको मेरे साथ चलना ही होगा। हाँ दीवू, ओके। लो बकरी खुद आई है हलाल होने, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज एक तीर से दो निशाने लगेंगे। हे
छोड़ो हमें, कहाँ छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे अब चुप्पे बाबा क्यों बने हो, बोलो कुछ। सबने मौन व्रत रखा है क्या? हाँ, ओ अब हम समझे, आपका गला खराब है ना? कोई बात नहीं, इतना खराब मौसम चल रहा है ना, तो इस मौसम में गला खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझ सकते हैं। हम ना आपको लौंग देते हैं। अब तो हमारा हाथ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, वो हमारा दोस्त है ना काजू, अरे वो हमेशा अटर सटर खाकर अपना पेट खराब करते रहता है और गला भी, तो उसके लिए ना हम हमेशा अपने पास लौंग रखते हैं, उसको दे देते हैं ना, फर्रा फर्रा बोलने लगता है। ये लो, आप लोग भी खा लो, आपका भी गला ठीक हो जाएगा। ये लो, लो। कोई नहीं बोलेगा। और ना यहाँ किसी का गला खराब है। और अब तूने अपनी बकर बकर चुप नहीं की तो मैं तेरा गला ठीक कर दूंगा। आप कोकुल भैया, आपने हमें उठवाया, उस दिन का सबक क्या आपके लिए काफी नहीं था जो आप दोबारा ऐसी गलती कर रहे हैं? छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। पगला गए हो क्या? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर हमारे भाइयों को पता चल गया ना कि आपने ये सब किया है तो आपके सारे दांत तोड़ देंगे, फिर घूमते रहना ऐसे ही। ए, फोन लगा साहब को और बता दे क्या काम हो गया। अरे हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं और अब फोन अफ्रेंड कर रहे हो, बताओ मुझे। घंटी जा रही है। बता दे उस सहरी बाबू को लड़की हमारे कब्जे में, अजय और उदय भागते हुए आएंगे अपनी जमीन के पेपर लेकर। जो जमीन आपके दिल के इतने पास है वो मेरे लिए भी खास है, इसलिए उसे तो मैं लेकर आऊंगा। कम ऑन भाई, चलो ना अंदर, मम्मी बुआ सब लड़की के घर जाने का वेट कर रहे होंगे। चाचू, चाची का नाम क्या है? अनमोल। बधाई हो रजत जी, आपका काम हो गया, अब वो दोनों भाई अपनी जमीन खुद सौंप देंगे आपको। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। लेकिन एक बात बताओ, इतनी जल्दी ये सब किया कैसे? अरे छोड़िए ना साहब, आप आम खाइए, गुटलियां गिनने के लिए हम है ना। नहीं सीरियसली बताइए ना, आई एम क्यूरियस। अरे साहब कुछ नहीं किया, बस बहन को उठवा लिया। व्हाट? आप ही ने तो कहा था ना कि यह सौदा हर हाल में होना चाहिए, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अरे पर आप चिंता ना करें, बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ अच्छा, मतलब ये सब काम उस बिगड़े नवाब ने किया है। आपकी लड़की ने हमारे सबर का बांध तोड़ा है, हम नहीं रुकेंगे। बस थोड़ी देर और, क्या है ना कि लड़का वाले पहली बार देखने के लिए आए हैं, थोड़ा घबराए रही है, बस आई रही है, तब तक आप हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। हाँ हाँ चीची, शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर में मत्था टेक ही लेते हैं ना पहले। आइए आइए। आइए।
आ आ आ खिंच रहा है, एक मिनट। लगता है हमें इतना इंतजार कराने का फल मिल रहा है। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना, हमें ही छुड़ा देते हैं। आ खिंच रहा है। छोड़ो हमारी अम्मा को, छोड़ो हमारी अम्मा को। हमारी अम्मा के बाल नोचने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी निकल जाता हूँ मैं। अनमोल के दबंग भाई अनमोल को ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बहन की किडनैपिंग में मेरा हाथ है तो जान ले लेंगे वो मेरी। जल्दी निकल जाता हूँ, कहाँ फंस गया। बोलो, गई भैंस पानी में। चौधरी साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बहन के साथ जो कुछ भी किया ना वो शहरी बाबू के कहने पर किया था, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे चौधरी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? तुम उस जमीन वाले आदमी की बात कर रहे हो? हाँ, सच्ची, उसी शहरी बाबू ने मुझे कहा था आपकी बहन को अगवा करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। You know I love challenges. जल्दी ही मुलाकात होगी जमीन के कागजों के साथ। छोड़ो, छोड़ो हमारी अम्मा को। हम कह रहे हैं अगर आपने नहीं छोड़ा ना तो हम ऐसा निशाना लगाएंगे कि आप सीधा हिमालय की चोटी पर जाकर पहुंचेंगे। और हम आपको बता दे रहे हैं हमारा निशाना ना बहुत अच्छा है। अनमोल, तुमको पता है कौन है ये लोग? बंदूक नीचे कर। नहीं अम्मा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे कबड्डी के मैदान में सबको लतेड़ते हैं ना, वैसे इनको भी अगर धूल ना चटा दी तो फिर आप कहना। ओ आंटी जी बोलिए, कहे हमारी अम्मा का बाल नोच रही थी आप? कहीं आप वो चोटी कटवा तो नहीं जो सबके छोटी बड़ी चोटी काटती है? हाँ बोलिए। भाई शुक्र है आप टाइम पर पहुंच गए और दीवो मिल गई, वरना उसे हम कहाँ ढूंढते गांव में। सच कहूं नंदिनी तो आज मैं भी बहुत घबरा गया था, मेरी बच्ची की मासूमियत को मैं मेरे और मृदुला के झगड़े की पली में चढ़ने दूंगा। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। थैंक गॉड दीवो सेफ है। नहीं दीवो यहाँ सेफ नहीं है, हमें जितना जल्दी हो सके इस गांव से चले जाना चाहिए। अनमोल दिमाग से पैदल, बंदूक नीचे कर। तू ऐसे नहीं मानेगी अनमोल, रुक। अपनी अकल अनसन पर बिठा कर आई हो क्या? मामा, मामा, बहुत जोर से पकड़ा है, अरे हमने जानबूझ के तोड़ जा किया। ससुराल वाले हैं तुम्हारे, हमारे बाल नोच नहीं रहे थे, उनके कंगन में अटक गए थे।
इसका मतलब हमने फिर से सब उड़ गोबर कर दिया। पापा? अरे? उड़ गई हैं। अभी सब लोग आने वाले हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। लड़की इतनी बदतमीज है, उससे हम बात करना भी पसंद नहीं करते, तो क्या अपने घर की बहू बनाने के लिए पसंद करेंगे? हमारे घर की बहुएं कद्दू नहीं उठाती, बेलन चलाती। पता नहीं कैसी परवरिश की है, बहुत बेसहूर लड़की है। देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए ना। वो क्या है ना कि हमारी दूर की नजर बहुत कमजोर है, पास का तो हमें दिखाई भी दे देता है पर दूर और बहुत दूर का तो दिखाई भी नहीं देता, इसलिए हमसे गड़बड़ हो गया, माफ कर दीजिए। हमारे बीच में मत आओ वरना बहुत ही बुरा होगा। अरे अरे, आप ऐसे कहाँ जा रही हैं? जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तो क्या करोगी? फिर से बंदूक तान कर खड़ी हो जाओगी, गोली मारोगी या फिर पछाड़ मार के हमें जमीन में काट दोगी? नहीं नहीं नहीं, गोली लगे चोर उचक्कों को और धक्का लगे फनफन करने वाले कच्चों को। आप यहीं रुकिए, हम आपको एक मिनट में चमका के दिखाते हैं। अनमोल, क्या कर रही हो? अनमोल, सत्यानाश हो तुम्हारा, सब कुछ बर्बाद कर दीस। ये भोलेनाथ, ये क्या करवा रहे हैं आप हमसे? अरे एक चीज सुधारने जाते तो दो चीज बिगाड़ के आ जाते। बुआ का सिंदूर फेशियल हो गया, चेहरा एकदम खिल गया। चुप। देखिए, गुस्सा मत करिए, अनमोल बहुत ही नादान बच्ची है, बचपना है उसका। जोन लड़की ऐसी तहजीब तरीके और तेवर वाली हो, उसे हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। सुनहरी, अच्छी अच्छी अच्छी, चलो रुक जाइए। देखिए, अगर आप कोई रिश्ता नहीं करना ना तो मत कीजिए, और ऐसे नाराज होके मत जाइए, हम सच्ची आपका अपमान नहीं करना चाहते थे, पर वो क्या है ना, हम ना बैल बुद्धि है, बस सींग नहीं है हमारे सर पे, लेकिन अकल तो बैलों वाली है हमारी। खुद ही हमारा चेहरा देखिए, क्या हम आपको तेज नजर आते हैं? नहीं ना, तो हम ये जो भी कर रहे हैं ना वो सब अपनी अम्मा के लिए कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए, क्या कोई भी बच्चा चाहेगा कि उसकी माँ का अपमान हो? नहीं ना, हम अपने परिवार को तकलीफ में देखते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। हम आपको सच बताए ना तो पता है हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे जो दिमाग के तार है ना, वो हमारे दूसरे दिमाग के तार से टकरा गए और नागी डांस करने लगे थे, इसलिए हमने बौरा आ गए थे और ये पागल हरकत कर दिया हमने, इसलिए हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। इतना बेवकूफ बनाती है, इतना बातों का चूना भी लगाती है लड़की। सुनहरी, जी जी जी, अब यहाँ और नहीं रुकेंगे, चलो। नमस्ते।
छोड़ो, छोड़ो मुझे। बातों के साथ साथ काम भी जाहिलों वाले करते हो ना तुम लोग। क्यों पकड़ कर लाए मुझे यहां? यहां सवाल हम करते हैं, कहां है अनमोल? मुझे नहीं पता वो कहां है। नहीं बताया तो तूने जो हमारे साथ किया ना वही तेरे साथ करेंगे। जैसे तूने हमारी अनमोल को हमसे दूर किया वैसे तुझे तेरी बच्ची से दूर कर देंगे। पापा! दीवू, दीवू, ए छोड़ उसको। खबरदार, जो मेरी दीवू को कुछ किया तो तुमने। अच्छा, और तू जो मेरी बहन को पकड़ कर ले गया उसके लिए क्या करे? हाँ तो खा कर जमीन में गाड़ दे। जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ। ओ समझदार आदमी, समझदारी का चूरन सिर्फ तूने ही नहीं छाटा है। पापा, छोड़ो मुझे। आप बहुत गंदे अंकल हो, मुझे अपने पापा के पास जाना है। दीपू, ए छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। साफ साफ बता, कहाँ है अनमोल? भैया ने जो पूछा है उसका जवाब दे, वरना वो हाल करेंगे कि आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। अम्मू कहाँ है? अनमोल, अरे मेरी बहन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे छोड़ रे काजू, हमें मजा करने दे और हम बीच में मत रोकना, हम बहुत नाचेंगे। तो ऐसा दीवार तोड़ डाल तो अपनी शादी में कर लेना। लेकिन अभी क्यों कर रही है? क्योंकि हम नहीं नाचेंगे अपनी शादी में और ना हम ढोल के साथ नाचेंगे, क्योंकि हमने अपनी शादी तोड़वा दी है। ओए माँ लग गई। ओए माँ, वहाँ तुम्हारे भाई पूरा गांव छान मारे हैं तुम्हारे लिए और तुम यहाँ मटक मटक के नाच कर रही। कुछ शर्म लाज है कि परीक्षा के नंबर की तरह उड़ा दी? ओ यशोदा, वाह यशोदा मैया, प्यारी यशोदा मैया, इसका कुछ जोर नहीं है नंबरों में, वो नंबर ही तो है जो इसके हाथ नहीं आते हैं। रुक जा कजुआ, आज ही के साथ साथ तेरी चमड़ी भी उधेड़ेंगे। अम्मा काहे इतना उबल रही हो, छोड़ दो ना, मत मारो। और अम्मा उंगली संभाल, क्या अगर गोली वोली निकल गई ना तो बहुत बड़ा गड़बड़झाला हो जाएगा। हमारा बस चले तो ये सारी की सारी गोली तेरे में उतार दे, तेरे से मुक्ति मिले। अम्मा हम आपको कहे तो थे कि मत कराओ शादी, फिर काहे जबरदस्ती कर रही हो? अम्मा जरा एक बार देखो ना अपनी बेटी को। अम्मा सच बताना, क्या आपने एक बार भी अपनी बेटी को थोड़ा सा भी अपने दिल में नहीं उतारा? काहे नहीं, जब तक तुम इस घर से नहीं जाओगी इस घर में खुशियां आ ही नहीं सकती। और हम हमारे बेटों की भलाई सोच रहे हैं। अम्मा तो हम भी तो आपकी भलाई के लिए ना बंदूक तानने थे। अरे शादी तोड़ने का तो हमारा अलग स्कीम था। क्या मतलब? हाँ बोली, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं रिश्ता जोड़ने के लिए और तुम प्लान बनाई हो उसको तोड़ने के लिए। आज तुम नहीं बचोगी अनमोल, रुक। यशोदा, माँ छोड़ दो हमारी अनमोल को। अम्मा आज नहीं, हम हमारे परिवार के अकेले चिराग हैं और आज ये चिराग हम बुझाएंगे। जिस बंदूक से लोगों को उड़ाते हो उस बंदूक से अपना दिमाग भी उड़ा दिया है क्या? एक सिंपल सी बात तुम दोनों के समझ में नहीं आ रही,
अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं, और इन सब के पीछे अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो। जिस हाथ से तूने मेरी बहन को तकलीफ दी है वो हाथ आज के बाद किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। भैया अमू का वीडियो कॉल है। अमू? उदा भैया वो देखो चाची ना अनमोल का कूट रही है। अमू अमू तू कहाँ है, तू ठीक तो है ना? अरे नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब ठीक है। वो क्या है ना कि अम्मा हमारे बालों के जुए निकाल रही थी और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। अम्मा अनमोल ठीक है ना? इसको क्या होगा, बल्कि ये जहाँ होती है वहाँ कुछ ठीक नहीं रहता। बहुत बड़ा कांड की है आज। हम इसको अम्मा अपने हाथ और जबान को थोड़ी देर शांत रखिए, हम आ रहे हैं, सब बताते हैं आपको सब। अनमोल। ओ शहरी बाबू कहाँ निकल लिए? देखो अगर तुम लोगों को अपनी एक्शन फिल्म बनानी है ना तो बनाओ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। तुम्हारी बहन घर पहुंच गई है, दैट्स इट, नाउ लेट मी लीव। ना शहरी बाबू ना, चोर अपनी चोरी कबूल भी कर ले लेकिन उसने चोरी तो की ही होती है। माना अनमोल घर पहुंच गई लेकिन उसे उठाने की गलती जो तुमने की है उसकी सजा का स्वाद तो तुम्हें चखना पड़ेगा। पकड़ो इसे। पापा। अरे कितनी बार कहूं मैंने नहीं किया है ये सब। सोचा नहीं होगा ना तुमने कि जमीन का सौदा करने वाला आदमी एक दिन खुद जमीन पर आ जाएगा। बड़ा अकड़ रहा था उस दिन जब घर पर आया था जमीन के सौदे के लिए, आज दोनों तोड़ेंगे हम, तुझे भी और तेरी अकड़ को भी। और जिसने हमारी बहन के साथ बदतमीजी की हो उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम लोगों को कैसे समझाऊं मैं तेरे। देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं तुम लोगों की तरह गुंडा बवाली नहीं हूँ। हमारी बहन को देखा, तुम लोगों को शायद एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने भी ये किया है उसने तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए किया। तुम्हारे अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे।